हमारा प्यारा उत्तराखंड, उत्तराखंड यानी देवभूमि। कई प्रमुख धार्मिक स्थल यहाँ होने के कारण उत्तराखंड देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड धर्म, संस्कृति और शास्त्र से परिपूर्ण है, लेकिन इसके अलावा कई प्राचीन चीजों की वजह से भी ये बेहद मशहूर है। उत्तराखंड को देवी देवताओं का वास स्थल भी माना जाता है, इसलिए यहाँ के लोग आज भी देवी देवताओं में काफी विश्वास रखते हैं। उत्तराखंड में आज भी कई ऐसी जगह हैं जो काफी रहस्यमय चीजों से भरी हुई हैं। इन्हीं में से एक है खैट पर्वत। खैट पर्वत टिहरी गढ़वाल के एक छोटे से गांव मुसान कीरी के पास पड़ता है। इस खैट पर्वत को परियों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस पर्वत में परियां रहती हैं। और इसका प्रूफ जीतू बगड़वाल की एक लोक गाथा से मिलता है। जीतू बगड़वाल की ये लोक गाथा उत्तराखंड की अनेकों प्रसिद्ध लोक गाथाओं में से एक है। मान्यता है कि एक बार जीतू अपनी ब्याही बहन को लेने रैंथल गांव जा रहा था, जहां उसकी प्रेमिका भी रहती थी। चलते चलते जब वो खैट पर्वत पहुंचा, तो उसकी सुंदरता से वो काफी मोहित हो उठा, जिसके बाद उसने वहां बैठकर बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। जीतू काफी सुंदर था और उसकी बांसुरी की धुन भी काफी मधुर थी। बांसुरी की धुन सुन खैट पर्वत की परियां उसे लेने के लिए आ जाती हैं। जीतू उन परियों से उसे छोड़ने की काफी मिन्नतें करता है, लेकिन परियां नहीं मानती और वो उसको अपने साथ ले जाने की जिद पर अड़ी रहती हैं। जीतू जान जाता है कि आछरियां उसके बिना नहीं लौटेंगी, इसलिए अब वो निवेदन करना छोड़कर उनसे मोहलत मांगता है और आछरियों से कहता है कि उसे 6 गति आषाढ़ के दिन ले जाए, ताकि वे तब तक अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर सके। आछरियां जैसे तैसे मान जाती हैं। रैंथल गांव जाकर जीतू अपनी प्रेमिका भरना से आखिरी बार मिलता है और अपनी बहन को लेकर गांव वापस आ जाता है। फिर आता है 6 गति आषाढ़ का दिन, जिस दिन परियां उसे लेने के लिए उसके घर पहुंच जाती हैं और जीतू खड़े खड़े धरती में समा जाता है। इस घटना के बाद सभी को खैट पर्वत पर शांति से जाने के लिए बोला जाता है, कि कहीं परियां उन पर भी मोहित होकर उनको भी अपने साथ लेकर न चली जाएं। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।